और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। राजा महाराजाओं का शासन तो चला गया लेकिन राजशाही नहीं गई, रुतबा जस का तस। कभी राजा महाराजाओं को प्रजा के सामने हाथ जोड़े देखना किसी अतिशोक्ति से कम नहीं था, लेकिन यह गद्दी की ऐसी माया है, वोटों की ऐसी चाहत है जो गरीब की चौखट के आगे भी शीश झुकवा देती है। राजतंत्र कल भी थी, प्रजातंत्र में जनता जनार्दन है। इस बार विधानसभा चुनाव में दो ऐसे राज्यों में जहां रजवाड़ों का इतिहास रहा है, तो आज मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावी दंगल में उतरे उन चेहरों की बात करेंगे जो इस चुनाव में बन गए हैं सियासी सूरमा और आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। ऐसे में क्या सिर्फ राजघराने से ताल्लुक इनके चुनावी नैया को पार लगाने के लिए काफी है? क्या इन रजवाड़ों के तर्कश में अब भी ऐसे तीर बचे हैं जो प्रतिद्वंदी को चित करने के लिए काफी है? देखिए रियासत की सियासत। बादा बामुलाहिजा होशियार जनता की शरण में राज दरबार। एमपी राजस्थान का चुनाव राजा रानी की साख पर दांव। बीजेपी कांग्रेस में सियासी घमासान, चुनावी राह नहीं होगी आसान। कौन पड़ेगा किस पर भारी, कमल पंजे में घमासान जारी। सियासत की सियासत बादा बामुलाहिजा होशियार जनता के बीच आ रही है सियासत की महारानी और महाराज। जी हाँ, सही सुना आपने। वो दौर कब का चला गया जब राजे महाराजे इंसाफ देने पधारते थे और जनता जयकारे लगाती थी, लेकिन भारत के लोकतंत्र ने प्रजातंत्र को इतना मजबूत कर दिया कि अब राजा महाराजा जनता के दर पर जा रहे हैं। देश में मौसम चुनावी है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में देश का सियासी पारा हाई। क्या बीजेपी और क्या कांग्रेस दोनों ही दलों में जनता को लुभाने की होड़ मची, खासकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो टक्कर कांटे की है। ऐसे में चाहे कमलनाथ हो या शिवराज, अशोक गहलोत हो या फिर वसुंधरा राजे, सब ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। समस्त कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन जो उन्होंने इतना समय निकाला हमारे माननीय कमलनाथ जी को सुनने के लिए। इस बार चुनाव में बागी भी हैं, दागी भी हैं, करोड़पति भी हैं और राजा महाराजाओं की फौज भी, यानी राजघराने। क्योंकि दोनों ही राज्यों में राजघरानों का प्रभाव चुनाव में अब भी बरकरार है। ऐसे में सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के राजघरानों की, जो सरकार बनाने और गिराने का मादा रखते हैं। मध्य प्रदेश का इतिहास ये बताता है कि जब जब राज्य में चुनाव हुए हैं राजघरानों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। मध्य प्रदेश में लोकतंत्र के महापर्व में एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस ने राजघरानों पर बड़ा दाव खेला है, ये सोचकर कि राजघरानों से आने वाले नेता प्रदेश की राजनीति में मजबूत पकड़ रखते हैं। लेकिन कांटे की टक्कर के बीच एक बार फिर राजघरानों की साख दांव पर है। मध्य प्रदेश की राजनीति इन राजघरानों की उपस्थिति के बिना पूरी नहीं होती। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों दलों से एक दर्जन से अधिक वारिसों के चुनावी अखाड़े में उतरने से पूर्व राजघरानों की साख दांव पर है। मध्य प्रदेश में इस बार ग्वालियर राजघराने से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। इसके वारिस ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में मंत्री हैं और बुआ यशोधरा राजे मैदान से बाहर हैं, लेकिन बाकी राजघराने चुनावी रण में अपनी ताल ठोक रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में रियासत की सियासत हम आपको दिखाते हैं। दरअसल इन रियासतों का फायदा पार्टियों को मिले इसकी पुरजोर कोशिश की गई और यही कारण है कि मंत्रणा के बाद काफी दौर चली बैठकों के बाद ये तमाम नाम चुने गए हैं जिनका फायदा मिल सकता है पार्टियों को। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा ताल्लुक
बड़ी बड़ी रियासतों से है। ऐसे में कौन कौन से नाम है जिनका चुनाव किया गया है, एक एक करके आपको दिखाते हैं। पहला नाम जयवर्धन सिंह का है। आपको बता दें राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, रियासत भी राघोगढ़ ही है, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, दो बार से लगातार विधायक हैं और दिग्विजय सिंह के बेटे हैं। कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इस बार जीत की हैट्रिक लगाने के मकसद से चुनावी मैदान में ताल ठोकने उतरे हैं। अगला नाम चौचौड़ा विधानसभा क्षेत्र का, राघोगढ़ रियासत यहां भी आ जाती है। लक्ष्मण सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, दिग्विजय सिंह के ये भाई हैं, वर्तमान में विधायक हैं। अभी नामांकन दाखिल करते वक्त सुर्खियों में रहे थे, कारण है इनकी संपत्ति डिटेल। आमदनी दरअसल इनकी 2018-19 में बढ़ी थी, लेकिन सरकार गई तो आमदनी भी घटी और अब जो संपत्ति डिटेल है वो 41 करोड़ की और इसको लेकर सुर्खियों में थे। बढ़ते आगे चुरहट रियासत की बात करते हैं, विधानसभा क्षेत्र भी चुरहट ही है। अजय सिंह यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, 2018 में हार का सामना करना पड़ा था, हालांकि 5 बार चुरहट से ही विधायक रह चुके हैं, अब इस बार चुनाव में फिर से इनकी साख दांव पर है। अगला नाम रीवा रियासत से, सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से, ये नाम है दिव्य राज सिंह का, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, रीवा रियासत से आते हैं, सिरमौर से वर्तमान में विधायक भी हैं और दरअसल बीजेपी का गढ़ है सिरमौर और इसलिए जीत को दोहराने की कोशिश है इनके माध्यम से। अगली रियासत देखिए देवास, देवास विधानसभा क्षेत्र भी है, गायत्री राजे पवार यहां से आती हैं बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर और मौजूदा विधायक भी हैं। 2018 में कांग्रेस के जय सिंह ठाकुर को इन्होंने शिकस्त दी थी, 2 बार से देवास से विधायक है। अगली रियासत की चर्चा कर लेते हैं मकड़ाई, जी हाँ हरसूद विधानसभा क्षेत्र आता है यहाँ, कुंवर विजय शाह इन पर दांव खेला है बीजेपी ने, ये 7 बार से बीजेपी के विधायक रहे हैं, कांग्रेस के सुखराम सालवे से सीधा सीधा इनका मुकाबला है। मकराई रियासत से ही अगला नाम भी आपको बताते हैं, हालांकि विधानसभा बदल जाता है टिमरनी आ जाता है, संजय शाह यहां से बीजेपी के प्रत्याशी बने हैं, कुंवर विजय शाह के ये भाई हैं, 2008 से लगातार विधायक है, शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और टिमरनी में मजबूत पकड़ इनकी मारी जाती है। अब अमझेरा रियासत की बात कर लेते हैं, विधानसभा क्षेत्र आता है बदनावर, राजवर्धन सिंह बीजेपी के प्रत्याशी हैं यहां से, बदनावर सीट से 4 बार के विधायक और शिवराज सरकार में मंत्री रहे हैं, बदनावर में मजबूत पकड़ है इनकी और इस बार कांग्रेस के भंवर सिंह शेखावत से इनका सीधा सीधा मुकाबला है, कड़ी टक्कर कही जाती है। छतरपुर रियासत की भी बात करनी होगी क्योंकि यहां पर राजनगर विधानसभा क्षेत्र आता है और कुंवर विक्रम सिंह मैदान में है कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर, राजनगर सीट से 4 बार के विधायक है, कमलनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं, राजनगर में पकड़ भी इनकी मजबूत है और इसी लोकप्रियता का फायदा कांग्रेस को इस बार भी मिलने की उम्मीद है। राज घरानों का प्रभाव धीरे धीरे बहुत कम होता चला गया है, लेकिन एक ग्लैमर एक सेलिब्रिटी का जो इफेक्ट है वो अभी भी उन राजघरानों के साथ है और लोगों में उनकी उनके साथ में एक भावनात्मक लगाव भले ही ना हो, लेकिन जो फिल्म स्टार हैं या दूसरे सेलिब्रिटी हैं उस तरह का इफेक्ट उनका होता है और वो आमतौर पर चुनाव में सफल होते हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव में राजघरानों की राजनीति दांव पर है। ग्वालियर, राघोगढ़, रीवा, चुरहट, मगडे, अमझेरा, किचलीपुर, देवास, दतिया, छतरपुर, देवास, नागौर, अलीपुरा जैसे छोटे बड़े राजघराने मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय सफल रहे। इस बार चुनावी मैदान में राजघराने की साख फिर दांव पर है। सबसे पहले बात राघोगढ़ राजघराने की करेंगे। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में गुना जिले के राघोगढ़ राज परिवार से 2 सदस्य अपनी किस्मत आजमा रहे। कांग्रेस ने राघोगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे मौजूदा विधायक जयवर्धन सिंह को उम्मीदवार बनाया। वहीं चाचौड़ा से कांग्रेस ने दिग्विजय के छोटे भाई मौजूदा विधायक लक्ष्मण सिंह को मैदान में उतारा है। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की। राघोगढ़ ब्रिटिश राज में ग्वालियर रेजिडेंसी की एक रियासत हुआ करती थी। इसकी स्थापना 1673 में लाल सिंह खींची ने की थी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के पिता बलभद्र सिंह इस राजघराने के अंतिम शासक रहे, जिसके बाद दिग्विजय सिंह जिन्हें दिग्गी राजा कहा जाता है राजनीति में लगातार सक्रिय। इस सीट पर बीते 46 वर्षों से सिर्फ कांग्रेस का ही कब्जा रहा। राजघराने के कब्जे वाली सीट पर इतना प्रभाव है कि यहां से एक बार साल 2003 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी चुनाव हार चुके। बीजेपी की ओर से प्रत्याशी घोषित किए गए हीरेंद्र सिंह बंटी बन्ना ने साल 2021 में कांग्रेस से बागी होकर बीजेपी में आए थे। इस बार जनता चाह रही है कि परिवर्तन हो। पिछले 20 में से 18 साल सरकार भाजपा की रही है
और आज के समय जो अहंकार घमंड भाजपा के मंत्रियों में आ गया है, जिन लोगों ने राज किया है पिछले 18 सालों में मध्य प्रदेश में, उनमें उनके नेताओं में एक जो अलग ही घमंड और अहंकार है वो जनता खत्म करना चाहती है। सिर्फ राघोगढ़ ही नहीं बल्कि सीधी जिले के चुरहट रियासत से आने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व सीएम अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह राहुल भी चुरहट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस के अजय सिंह राहुल हैं, जो पिछली बार मिली हार का बदला चुकाने की कोशिश में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मौजूदा विधायक शारदेन्दु तिवारी, जिन्हें बीजेपी ने एक बार फिर प्रत्याशी बनाया है। अजय सिंह 5 बार से विधायक हैं, लेकिन 2018 में चुनाव हार गए थे। बीजेपी के शारदेन्दु तिवारी ने 6,655 वोटों से हराया था। जो वहाँ पर राजनीति प्रदूषित हो गई थी वो दूर करने का प्रयास करूँगा। बाकी जो मुद्दे हैं वो कांग्रेस के वचन पत्र हैं, वो लागू होंगे। चुरहट क्षेत्र में 5 साल क्या हुआ है वो पुनरावृत्ति न हो, उसका प्रयास। मेरे स्वयं के द्वारा जो क्षेत्र के लिए काम किए गए हैं उनको, उनके साथ में हम सर उठाकर जनता के बीच पुनः आशीर्वाद के लिए जा पाए। देवास राजघराने से ताल्लुक रखने वाली गायत्री राजे पवार को बीजेपी ने देवास विधानसभा सीट से टिकट दिया है। गायत्री राजे अभी इस सीट से विधायक भी हैं। उनका विवाह देवास के दिवंगत महाराजा वरिष्ठ तुकोजी राव पवार से हुआ था। देवास राजवंश के महाराज तुकोजी राव चतुर्थ विक्रमादित्य के राजवंश से संबंध रखते थे। उनके पूर्वजों ने 250 वर्षों तक देवास राजघराने पर शासन किया। देवास विधानसभा सीट पर पिछले 6 चुनाव से बीजेपी का ही कब्जा है। तुकोजी राव पवार यहां से लगातार 6 बार चुने गए और तुकोजी राव पवार का नाता शाही खानदान से रहा। 2015 में तुकोजी राव का निधन हो गया, जिसके चलते उपचुनाव में उनकी पत्नी गायत्री राजे परिवार ने जीत हासिल की। फिर 2018 के चुनाव में भी उन्होंने ही जीत दर्ज की। इस चुनाव में गायत्री राजे ने कांग्रेस के जय सिंह ठाकुर को हराया था। देवास की जनता की सेवा का संकल्प लिया है, उसे पूरा हो ऐसा माता से कामना किया है। धार जिले की अमझेरा राजघराने से राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को धार जिले की बदनावर सीट से उम्मीदवारी थमाई गई। स्थानीय लोग उन्हें दत्तीगांव जागीर के नामधारी मुखिया या दत्तीगांव के महाराजा या राव साहब के नाम से बुलाते हैं। राजवर्धन 4 बार से बदनावर के विधायक है। भंवर सिंह जी भी भोपाल में कह चुके हैं कि मैं आरएसएस का सदस्य था, आरएसएस का सदस्य हूं और आरएसएस का सदस्य रहूंगा। तो हम मानते हैं कि फिर कहीं ना कहीं हमारी भी भागीदारी भंवर सिंह जी में तो है ही। तो फिर कांग्रेस के समक्ष ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि भंवर सिंह जी वास्तविकता में उम्मीदवार किसके हैं। राजवर्धन कहाँ था पहले, कांग्रेस भी था ना, आज तो भाजपा में है। और जब भाजपा ने आदमी खरीदना शुरू कर दिए, खरीद करके सरकारें बनाना शुरू कर दी, हमने भाजपा छोड़ दी। खंडवा जिले के मकराई राजघराने से 2 सदस्यों की किस्मत दांव पर है। बीजेपी ने हरसूद विधानसभा सीट पर 7 बार से विधायक और मंत्री कुंवर विजय शाह को उतारा है। कांग्रेस ने फिर सुखराम सालवे पर भरोसा जताया। वहीं टिमरनी विधानसभा से बीजेपी ने विजय शाह के भाई संजय शाह को टिकट दिया। दोनों का मकराई राजघराने से नाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है, अपने विचार है पार्टी के, उस विचार को लेकर कार्यकर्ता काम करता है और उस कार्य करने के बाद जो नेतृत्व उभर के समाज के बीच आता है और जिसकी लोकप्रियता है, जिसको जनता पसंद करती है कि नेतृत्व हमारा करे, वो सदन में हमारी बात रखे, तो ऐसे लोगों को चयनित करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतारती भी है और वही मध्य प्रदेश में हो रहा है, होता आया भी है। तो उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, चाहे वो मध्यम वर्ग भी हो, चाहे गरीब हो, चाहे सो कॉल्ड आप कह रहे हैं राजघराने से हो, जब तक जनता उसको नहीं चुनेगी, जनता के बीच में वो सेवा नहीं करेगा, जनता के मुद्दों को नहीं उठाएगा, जनता उसको नहीं जिताएगी। तो साफ तौर पे लोकतंत्र में जनता ही राजा है। उधर बीजेपी और कांग्रेस दोनों का कहना है कि सियासत में रियासत देखकर टिकट नहीं दी जाती, बल्कि जनता के लिए सेवा भावना और समर्पण पर ही टिकट का बंटवारा किया जाता है। मध्य प्रदेश के सियासी पिच पर एक बार फिर राजा रजवाड़े उतर चुके हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस पर अपना प्यार लुटाती है और किसे जनता के दरबार में दरकिनार कर दिया जाता है। विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज 24।